वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं स्टैंड कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग। तो स्टैंड कॉलर नेक कैसे बनाया जाता है, तो स्टैंड कॉलर नेक के जो शोल्डर और आर्म होल्स रहते हैं उसका वीडियो तो हमने आपके लिए कल अपलोड किया था। हाँ। तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि उसको स्टैंड कॉलर की कटिंग करना, नेक विड्थ वगैरह कितनी रखना पड़ेगी, उसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उसका भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आए। तो आज हम वही वीडियो लेकर आ गए हैं। तो स्टैंड कॉलर में शोल्डर वगैरह और आर्म होल्स कैसे कटिंग करना है, नेक चार्ट के हिसाब से कैसे बनाना है, कैसे बनाना है, बिल्कुल पूरे चार्ट के अकॉर्डिंग हम आपको कटिंग करके बताएंगे। तो आज हम करने वाले हैं स्टैंड कॉलर नेक की कटिंग और स्टिचिंग, वो भी बकरम वाले गले पे। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, चार्ट का वीडियो हमने आपके लिए कल अपलोड किया था आर्म होल्स और शोल्डर का, वो भी स्टैंड कॉलर वाले में, और बिना स्टैंड कॉलर खोले वाले गले का तो हमने आपके लिए बहुत दिन पहले ही अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने चार्ट की मतलब स्टैंड कॉलर का चार्ट का वीडियो अगर अभी तक भी नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आप करते हैं इसकी कटिंग करना स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, कुर्ती की कटिंग करने के लिए हमें चाहिए 2 मीटर कपड़ा। तो दीदी, ये काय के साथ बना रही हो तुम? ये वो अपन ने एक रिंग वाली शलवार बनाई थी ना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रही हमारी रिंग वाली शलवार, दी तुम दिखाओ अच्छे से। ये रही हमारी आगे से पटियाला और पीछे से रिंग वाली शलवार, ये देखिए, जिसका वीडियो हम पहले से ही अपलोड कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसको सीखना है, तो जाना है लिंक पर क्लिक करना है और इसको जाकर सीख लेना है, और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कौन सी सलवार है दीदी ये? इसको रिंग वाली सलवार, खजूरी सलवार, हरियाणवी सलवार और पता नहीं कौन कौन सी सलवार बोलते हैं। तो ये 2 मीटर हमने कपड़ा ले लिया है और ये हमारा डबल में कपड़ा है, ये देखिए। इसको सिंगल कर लेंगे और इसको उल्टा कर लेंगे, ये देखिए, एक के ऊपर एक रखें और ये हमारा उल्टा हो गया कपड़ा। उसके बाद इसको एक बार और फोल्ड कर देना है। ये हमारा 4 फोल्ड कपड़ा हो गया, वो भी हमने दामन के हिसाब से रखा है। 20 इंच के दामन है तो उसका आधा हो जाएगा 10, ये 10 यहाँ पर निशान लगेगा और ये हमने 1.5 इंच बड़ा कर रखा है। शोल्डर का निशान लगाना है तो पहले कपड़े को सीधा करने का निशान लगा देंगे। अब इसके बाद ये रहा हमारा मेजरमेंट, जी ना, 32 इंच है तो अब इसके हिसाब से ये चार्ट ले लेंगे हम। तो ये रहा हमारा 32 सीना और उसके हिसाब से शोल्डर कितने आएंगे हमारे 14 इंच के, और आर्म होल्स की जो गोलाई आएगी वो कितनी आएगी 6x75 मतलब कि 7.5 इंच। तो मैं आपको इसी हिसाब से कटिंग करना बताती हूँ। तो ये हमने कपड़े को सीधा करने का निशान लगा लिया, इसके बाद शोल्डर को डाउन करने का निशान लगाना है। तो हमारे शोल्डर आ कितने रहे, देखिए 32 सीना, 14 शोल्डर, 14 का आधा हो जाएगा 7, ये हमने 7 पर निशान लगा दिया। और इसके बाद ये आधे इंच हमारा सिलाई का रहेगा, ये 7 और ये आधे इंच सिलाई का। इसके बाद यहाँ से इंची टेप को रखना है और 1/4 इंच नीचे की साइड निशान लगा लेना है डाउन करने का। शोल्डर को हम इतना डाउन कर देंगे, ये देखिए कर दिया हमने और ये हमारा निशान। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इंची टेप को रखना है और ये रहा हमारा 1/4 इंच, ये है 7 और ये इससे 2 पॉइंट पीछे हो जाएगा 1/4। 6x75 दीदी? हाँ, 6x75, 6x75 पर हमने ये निशान लगा दिया। इसके बाद हमको कमर का निशान लगाना है 14 पर, और ये देखिए चौक कितने हैं हमारे, चौक है 19 इंच के, तो हमें 19.5 पर निशान लगाना है। आधे इंच ऊपर सिलाई में दबेगा तो फिर 19 बनकर आ जाएगा। इंची टेप को ऐसे बीच से रखना है, बीचम बीच शोल्डर से लंबाई का निशान लगा लेंगे तो लंबाई हम पूरी फुली रख रहे हैं। अब यहाँ से इंची टेप रखना है, 32 सीना है, 2 इंच लूजिंग एड करेंगे तो 34 हो जाएगा, और 34 का चौथाई भाग 8.5 इंच आएगा तो 8.5 पर निशान लगा देंगे। 28 कमर है, 28 में 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 का चौथाई भाग 7.5 इंच आएगा। 36 हिप है, 2 इंच प्लस कर लेंगे तो 38 हो जाएगा, और 38 का चौथाई भाग 9.5 आएगा। और दामन हमारे 20 इंच के हैं तो उसका आधा 10 आएगा। इन निशानों को लंबा कर लेंगे, इससे इसको मिला देंगे और यहाँ पर एकदम सीधी लाइन खींचना है और यहाँ पर गोलाई कर देंगे, कर दी हमने। अब बड़ा स्केल लेना है, इस निशान से इस निशान को मिला देना है और यहाँ पर देखिए ये 1 इंच का हमें मार्जिन लेना है और निशान लगा दीजिए। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे इसमें, उसके बाद यहाँ पर कट, एक कट यहाँ पर और एक यहाँ फिटिंग के पास और एक यहाँ सेंटर पे और एक ये चौक मोड़ने का, ये थोड़े छोटे बड़े हैं इनको बराबर कर लेंगे काट के। सारे कट लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेना है। उससे पहले आप एक चीज और सुन लीजिए कि ये जो हमने शोल्डर का निशान लगाया था इसमें तो हमने सिलाई के लिए 1/2 इंच बढ़ाकर रखा था, लेकिन जब ये आर्म होल्स वाला निशान लगाएंगे तब हमें 1/2 इंच बढ़ाकर नहीं रखना है, तब हमारे जितने आर्म होल्स हैं उतने ही रखना है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इतना हमारे सिलाई में दबेगा
तो जब हम नीचे सिलाई लगाएंगे तो इतना हमारा बढ़ भी जाएगा, यहाँ से यहाँ पर भी सिलाई में दबेगा तो हमारा दोनों मिलके बराबर आ जाएगा। मतलब आधे इंच यहाँ दबेगा तो यहाँ का यहाँ पे कवर हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा तो बराबर हो जाएगा हमारा। तो फिर हमें इसके लिए नीचे नहीं बढ़ाना है, बस शोल्डर में बढ़ाना है। इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए बैक पार्ट को हमने अभी हटा दिया है, फ्रंट पार्ट को फिर से जमा लेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, गले की विड्थ का निशान लगाना है, क्योंकि अभी इसको गला तो हम काट नहीं रहे हैं। अगर वी गला होता तो इसी पे काट देते, गोल होता तो इसी पे काट देते, और चौकोर होता तो भी इसी पे कट जाता, लेकिन हमको बनाना है पान शेप। तो पान शेप बकरम पे ही कटेगा, उसके लिए हम फैलान का निशान लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ से 3.25 इंच हमको गले की विड्थ रखना है, मतलब कि फैलान रखना है। 3.25 इंच पर हम ऐसा कट मार देंगे। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हमको गोलाई कर देना है, ये गोलाई भी हो गई हमारी। बैक साइड का पल्लर लेना है और इसमें भी 3.25 इंच की फैलान का निशान लगा लेंगे और यहाँ से कटिंग कर देंगे। यहाँ से हमने यहाँ तक 0.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा लिया, 1 पॉइंट ज्यादा, और यहाँ पर लाके इसको घुमाकर पतला कर दिया। ये देखिए ऐसा राउंड में आएगा, और यहाँ पर एक छोटा सा इतना सा कट मारना है, इतना सा बिल्कुल। तो दीदी सबके में 3.25 फैलान रखनी है, सबके में 3.25 इंच नहीं रखना है। ये देखिए 28 और 30 गले की विड्थ रखना है आपको 2.5 इंच, और 32 से लेके 40 इंच तक रखना है गले की विड्थ आपको 2.75, और 42 से लेके पूरी 52 इंच तक आपको रखना है गले की विड्थ 3 इंच। 2.5 मतलब 2 और उसका आधा, देखिए यहाँ से ये 2.5 का मतलब होगा 2 और यहाँ तक इतना रखना है आपको 28 और 30 वाले में। ये जो 2.5 आएगा इसके बाद ये 2.75 आएगा, ये 32 से लेके 40 तक वालों की में आपको 2.75 रखना है, और 40 से ऊपर जिसका भी साइज जाएगा आपको पूरा 3 इंच की फैलान रखना है। ये आपको गले की विड्थ भी बता दी मैंने, शोल्डर भी बता दिए, और आर्महोल्स भी बता दिए। अब बचा है सिर्फ नेक, नेक कैसे कटिंग करना है। नेक तो हमने वैसे भी आपको कई बार बताया है, लेकिन स्टैंड कॉलर में कितना रखना है, किसके नाप में कितना गला सही आ जाएगा, वो मैं और आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये हमारे पास बकरम है, ये तो आपको पता ही है हम कितना बकरम लेते हैं, जो हमारी सारी वीडियो देखते होंगे उनको तो पता होगा, और जिसने नहीं देखा है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए ये है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 7 इंच हमने बकरम की चौड़ाई रखी है, और लंबे में तो हमने ज्यादा ही ले लिया है। अब हमने इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया है, यहाँ से हमको इंची टेप रखना है, और गला हमें तैयार चाहिए 7 इंच का। 0.5 इंच हम बढ़ा कर रखेंगे 7.5 इंच, क्योंकि 0.5 इंच हमारा सिलाई में ऊपर दबेगा। अब इसके बाद हमें गले की विड्थ रखना है 3.25 इंच, तो 3.25 इंच पर हम निशान लगा देंगे, 3.25 इंच पर ऊपर भी निशान लगा लेंगे। अब देखिए ये हमने 32 सीने के हिसाब से 2.75 हमने बताया था आपको, तो हमने ये देखिए 2.75 पर ही निशान लगाए। विड्थ वाला जो हमारा हिस्सा रहेगा वो 3.25 इंच ही आएगा, और गले में भी हमने इसकी फैलान 3.25 इंच ही रखी है, सबको इतना ही रखना है। ये जो हमारा साइज है उसके हिसाब से हमारा 3.25 इंच आया है, तो 3.25 इंच ही हमने 3.25 इंच पर भी हमको लगाना है निशान ये। और जो कम साइज वाले रहेंगे उनको कम लगाना है, बड़े साइज वाले को बड़ा लगाना है, और सबसे हाईएस्ट साइज जिनके रहेंगे उनको 3 इंच लगाना है। तो ये जो हमने चार्ट बनाया है उसी के हिसाब से आपको इसकी कटिंग करना है सभी को, इसी के हिसाब से, इस चार्ट के हिसाब से आपको कुछ भी बदलाव नहीं करना है। इसके हिसाब से आप बनाएंगे तो आपके एकदम सही कपड़े बनेंगे स्टैंड कॉलर वाले। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। स्केल से हमने निशान लगा लिए, अब इसमें पान शेप ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे करके घुमाते हुए यहाँ से ऐसा तिरछा घुमा लेंगे। ये हो गया हमारा पान शेप, इसी की हम कटिंग कर देंगे। इसको ऐसे रखना है और दोनों उंगलियों से ऐसे पकड़ लेना है। कैंची की अंदर वाली साइड से हम कटिंग कर रहे हैं। ये हमारा पान गला कट गया है, अब इसी की बाहर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। 0.5 इंच से थोड़ा हमें ज्यादा लेना है, इसको हटा देंगे। ये देखिए हमारा गला कट गया। ये तो हमने बताया है आपको 32 साइज वाली की में, 32 से लेके 40 साइज वालों को 7 इंच का गला बिल्कुल कंफर्टेबल आएगा, ना ज्यादा बड़ा रहेगा ना छोटा रहेगा, ना ही उनका सर फंसेगा डालने में अंदर। और ये जो 28 और 30 वाले लोग हैं उनको 6.5 इंच का गला बनाना है, क्योंकि उनके लिए 7 इंच का गला बड़ा हो जाएगा, लटकेगा, इसलिए उनको 6.5 इंच का गला बनाना है। और 32 से लेके 40 वाले को 7 भी आ जाएगा, अगर किसी को 7 में भी दिक्कत हो रही तो 7.5 बना सकते हैं, मतलब बड़ा कर सकते हैं, लेकिन छोटा नहीं कर सकते। ज्यादा छोटा करेंगे तो फिर सर नहीं जाएगा, तो क्योंकि एक ही साइड से खुला हुआ है, पीछे से तो बंद है। अच्छा, इसीलिए सर नहीं घुसेगा अगर ज्यादा छोटा रख लेंगे तो। तो 42 से लेके 52 इंच तक बालों के लिए 8 इंच का गला बनाना सही रहेगा, और अगर आप चाहें तो थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं, साथ में भी आपका सर चला जाएगा, लेकिन साइज ज्यादा रहता है, छोटा गला बनाते हैं तो उन लोगों को घबराहट होती है, इसलिए उनकी में 7.5-8 इंच का गला सही आता है। और अगर कोई पहले से बोलते कि उनको ज्यादा बड़ा गला नहीं चाहिए तो उनके लिए फिर 7 बना दीजिए आप, सर तो उनका भी चला जाएगा। अब ये जो बचा कपड़ा है इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे, स्लीव्स निकालने के बाद जो बचेगा वो हमारे गले में काम आ जाएगा, कॉलर में भी, और ये गला जो हम बनाएंगे उसमें भी। इसी के साथ हमारी
पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। करते हैं इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस नेक को बनाकर तैयार करना पड़ेगा। तो ये हमारा बचा हुआ जो कपड़ा है, जो खर्चे का कपड़ा जिसको बोला जाता है, ये ले लिया है हमने इसको सिंगल करके। और हमने जो नेक कटिंग किया था इसको रख लेना है, और निशान वाली साइड से आपको नहीं रखना है, इसको पलट के रखना है ताकि निशान अंदर चले जाए। क्योंकि निशान पे अगर अपन सिलाई चलाते हैं तो ये मशीन सही से नहीं चलती, आगे आगे बढ़ती जाती है। इसको हमें यहाँ पर रख लेना है अच्छे से, और यहाँ से हमें सिलाई लगाकर इसको यहाँ पे अटैच करना है। इसको यहाँ से अटैच करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बाहर से इसकी कटिंग करनी है इतना मार्जिन रख के। ये लगभग 1.5 सेंटीमीटर होगा, ये हमने इसकी कटिंग कर दी है, और इतना ही मार्जिन रख के हमें अंदर से भी कटिंग कर देनी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको फोल्ड करना है, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक इसको हमने यहाँ से फोल्ड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको लेना है और इसको यहाँ से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपको अच्छे से यहाँ से मिलाकर रख देना है। आपको यहाँ से इंची टेप को रखना है, यहाँ से बकरम के बगल से, और आपको निशान लगाना है 4 इंच पर। और ये आप गले की लंबाई के हिसाब से लगाएंगे। अगर आपका गला थोड़ा छोटा हो तो आप ये 3.5 पर लगा लीजिए, और अगर गला बड़ा हो तो 4.5 पर लगा लीजिए। पर आपको 4.5 से ज्यादा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि स्टैंड सिर्फ हमारी यहीं तक आती है, जैसे मेरी आ रही ना यहीं तक, इतनी आना चाहिए, ज्यादा नीचे अच्छी नहीं लगती है। तो आप अगर मेरे अकॉर्डिंग रखेंगे तो एकदम सही बैठेगी। यहाँ पर आपको लेना है ऐसे, इसको फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ पर कट मार देना है और इसको खोल देना है। इतना रेडी करने के बाद आपको कुर्ता लेना है और इसका फ्रंट पार्ट लेना है और बैक को हटा देना है। फ्रंट पार्ट को लेना है और वो भी सीधी साइड से लेना है, आपको निशान वाली साइड नीचे चली आएगी। यहाँ से हम इसको नेक को लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। यहीं से रखने के बाद आपको क्या करना है, ये जो सेंटर की लाइन है, जो नाखून का निशान आ रहा है, ये इस पर अपन एक लाइन खींच देंगे ताकि हमारी नोक कहाँ पर आएगी ये हमें पता चल सके। ये आ गया, ऐसे हम इसको अच्छे से रख देंगे। रखने के बाद हम यहीं पे ऐसे निशान मार देंगे, ये लगा दिया। अब हमको पता चल जाएगा कि हमें यहाँ से सिलाई लगाना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक, यहाँ से बिल्कुल आपको बराबर मिलाना है। मिलाने के बाद बिल्कुल आपको यहीं से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है, कट के पास से, जो हमने कट लगाया है यहीं से सिलाई आपको कहाँ लगानी है, बकरम के एकदम बगल में, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। बकरम के ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी है। ये लिया हमने बिल्कुल कट के बीच में से रख दी, सुई को अंदर कर दिया, और आपको पक्की सिलाई करना है यहाँ से। ये पक्की सिलाई करी और यहाँ से आपको सेंटर मिला लेना है, ऐसे इसको अच्छे से पकड़ लेना ताकि गड़बड़ ना हो। यहाँ पे हमने सुई को अंदर कर दिया है, यहीं से सुई को अंदर करके इसको टर्न कर लेंगे हम। घुमा दिया, यहाँ से भी हम इसको मिलाएंगे, पहले ही मिला लेंगे। मिला दिया, अब इसको अच्छे से ऐसे हाथ से दबाकर पकड़ लेंगे। ये देखिए दूसरे कट के पास बिल्कुल हमने लाके सिलाई खत्म कर दी है। यहाँ से यहाँ तक आपको सिलाई नहीं लगाना है, और पक्का भी कर दिया दोनों जगह, और पक्का भी कर दिया। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक हमारा ये बकरम खुला रहेगा दोनों साइड का, और सिर्फ सिलाई आपकी आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। स्टैंड कॉलर का आप चाहे शेप वाला गला बनाएं, चाहे कैसे भी गला बनाएं, स्टैंड कॉलर में सिलाई लेकिन आधी ही लगती है, जितना गला हमें तैयार चाहिए। जहां पर कॉलर आती है वहां पे हम सिलाई नहीं लगाते हैं। इसकी बराबरी से बिल्कुल कटिंग कर देना है आपको। कटिंग करने के बाद यहाँ पर एक कट लगा देना है ऐसे पूरा सीधा, कि बिल्कुल बकरम के बगल तक आ जाए। अब आपको तिरछे तिरछे कट लगाना है, ये आपको गोलाई के हिसाब से लगाना है। जैसा आपका बकरम का शेप होगा उसकी गोलाई के हिसाब से आपको ये कट देखना पड़ेंगे। ये लगा दिए, और यहाँ पर भी हम एकदम सीधा कट लगा देंगे। ये हमने सीधा कट क्यों लगाया है, ये हमने इसलिए लगाया है ताकि ये वाला जो हमारा शेप रहेगा ये पलट कर ऐसे अंदर चला जाए, और यहाँ का फैब्रिक हमारा बाहर रह जाए, ये वाला यहाँ से ऐसे स्टैंड लग जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे लेना है, और ये आपको सिलाई लगाकर बकरम को अंदर पलटना है, और पॉइंट की सिलाई लगाकर इस नेक को अटैच कर देना है। ये हमने इस पे पॉइंट की सिलाई लगा दी, और ये यहाँ से दोनों साइड से ये बाहर आ गए, यहाँ से यहाँ तक हमें स्टैंड लगेगी। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ी सी दूर से इसकी सिलाई लगाकर इस बकरम को इसमें अटैच कर देना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं, अगर आपको सिलाई पसंद नहीं हो तो, पर हम तो इसमें सिलाई ही करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें सिलाई पसंद है इसलिए। ये हमारा नेक बनके तो हो गया रेडी, धागे वगैरह कर देंगे कटिंग। अब हमने बैक पार्ट ले लिया, बैक पार्ट को हमने सीधा करके रखा है, और इसके ऊपर रख लेंगे हम फ्रंट पार्ट। तो ये हमने फ्रंट पार्ट रख दिया, बैक पार्ट को सीधा करके रखना है, फ्रंट पार्ट को आपको उल्टा करके रखना है। मतलब ये हमने यहाँ पर रख दिया इसको, और यहाँ से आपको मिला देना है इसको अच्छे से,
देखिए मिला दिया और एकदम शोल्डर बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब इनको यहाँ से हम अटैच कर देंगे। ये हमने शोल्डर अटैच कर दिया, यहीं से हम इसकी तिरछे में कटिंग कर देंगे। तिरछे में कटिंग क्यों की है ये मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी जब मैं कॉलर लगाऊंगी तब। इस वाले शोल्डर को भी हम ऐसे ही ज्वाइन कर देंगे जैसे हमने इसको किया है। ये देखिए इसके जैसे हमने ये वाला शोल्डर भी ज्वाइन कर दिया है। तो दोनों शोल्डर ज्वाइन करने के बाद और इसको हमने दोनों साइड से ही तिरछे में कट किया है। अब हम इसको कर लेंगे सीधा। ये हमारा सिंगल हो गया और ये सीधा भी हो गया। अब इसको हमें ऐसे रखना है सामने साइड, ठीक है फ्रेंड्स। आपको इसके बाद क्या करना है, इंची टेप ले लेना है और आपको यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक कॉलर नापनी है कि आपकी स्टैंड बटी कितने इंच की लगना है इसमें। यहाँ से आपको इंची टेप को रखना है और ये आपने ऐसे यहाँ पे रखा और यहाँ से ऐसे हल्का हल्का टर्न कीजिए। कपड़ा नहीं मुड़ना चाहिए, सिर्फ इंची टेप मुड़ना चाहिए। इस तरीके से आप मेजर करते जाएंगे तो ये आ रही हमारी 13.5 इंच की, मतलब 13.5 इंच की। तो 13.5 इंच का हमें बकरम ले लेना है। तो ये हमने बकरम का रोल ले लिया है और ये हमारा पेस्टिंग वाला बकरम है और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से ये हमारी 1.25 इंच की है और ये जो इसकी लंबाई रहेगी वो तो सबके नाप के अकॉर्डिंग रहेगी, जिसका जितना नाप आएगा। तो ये हमारा 13.5 इंच का नाप आया है तो हम 13.5 इंच का बकरम ले लेंगे। ये हमने यहीं से कटिंग करना है इसको। कटिंग करने के बाद इसको लिया और यहाँ से इसको ऐसे एक दूसरे से मिला देना है। मिलाने के बाद आपको ऐसे बीच में से फोल्ड कर देना है। अब आपको दोनों को कॉर्नर्स को मिलाकर यहाँ से लेना है। आप निशान लगाकर भी कर सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं इसमें गोलाई, ऐसे करके आपको हल्की सी गोलाई देनी है। तरीके से आपको हल्की सी इसमें गोलाई दे देनी है। और ये देखिए अब हमारी स्टैंड कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको अपने कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है हमने वो ले लिया है और इसके ऊपर हमने अपनी स्टैंड को रखा है। और ये जो चिकना वाला रहेगा वो आपको नीचे साइड कर देना है क्योंकि यहाँ पर चिकने में फेविकॉल वगैरह लगा रहता है तो ये इसमें पेस्ट हो जाता है। थोड़ा सा मार्जिन रख के ही हमें इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है और ऐसे प्रेस लगानी है। ये देखिए इसमें हमारी ये पेस्ट हो चुकी है स्टैंड पट्टी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी हमने कटिंग कर दी है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो कपड़ा है बचा हुआ है जो वही ले लेना है और इसको हमें इसके ऊपर रख देना है। सिंगल कपड़ा लिया है हमने, इसके ऊपर रख दिया। रखने के बाद क्या करना है, यहाँ से हमें सिलाई लगाना है पक्की करके और बिल्कुल बकरम के बगल से सिलाई लगाना है। यहाँ इसको हमने इसमें लगा दिया है, बिल्कुल भी हमने बकरम पे सिलाई नहीं चढ़ाई है और इसकी बराबरी से हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। जितना हमने यहाँ पे फोल्ड किया है उतना हमने यहाँ पर मार्जिन रख लिया सिलाई के लिए। यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब हमें इसको लेना है यहाँ से ऐसे बीच में से सिलाई मिलाकर रखना है और एक कट आपको यहाँ सेंटर पे लगा देना है। इसके बाद हम अपने स्टैंड को सीधा कर लेंगे। ये हमने इसको सीधा कर दिया है और इसको यहाँ पर रख देंगे साइड में। और अपनी कुर्ती को ले लेना है और कुर्ती को हमें उल्टा करके रखना है। उल्टा करके रख लिया, ऐसे ही इसको हम मशीन के अंदर कर देंगे। मशीन के अंदर करने के बाद कुर्ता हमारा उल्टा है, स्टैंड पट्टी हमारी सीधी है और इसको उल्टी साइड से हमें यहाँ पर रखना है। और रखने के बाद ये जो हमने कट किया था यहाँ से, इस कट से हमें इस कट के बगल में रखना है, मतलब जो हमारा मार्जिन है यहाँ से। और बिल्कुल बराबरी से हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे ताकि थोड़ा भी से भी छोटा बड़ा ना हो, नहीं तो स्टैंड में फिनिशिंग नहीं आएगी। ये देखिए ऐसे हम लगाते जाएंगे। ये देखिए स्टैंड हमारी इसमें अटैच हो चुकी है अंदर अंदर की और बिल्कुल हमने बराबर लगाई है सिलाई ताकि यहाँ पर अगर दूर पास कर देते हैं, अगर यहाँ चली जाती है ना तो फिर यहाँ पर ऐसे दिखता है, मतलब ये स्टैंड बार बार मार्जिन ये दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमने ऐसे लगाई है बराबरी से तो एकदम सही स्टैंड बैठेगी। और ये जो हमने तिरछा कट क्यों किया था, ताकि ये मार्जिन यहाँ पर ऐसे दबे नहीं, अगर दबता है तो यहाँ का जो हिस्सा रहता है यहाँ पर ऐसे खिंचता है ऐसा, तो फिर वो सही नहीं लगता है इसलिए। अब इसको हम पलट के कर देंगे सीधा और सीधा करने के बाद मशीन के अंदर कर लेंगे। मशीन के अंदर करने के बाद स्टैंड पट्टी को लेंगे और इसको भी करेंगे सीधा। और ये देखिए एकदम बराबर आ रहा है यहाँ से और पूरी को हम सीधा कर देंगे। यहीं से अब हम इसको पॉइंट की सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। एक टांग हमें इस साइड लेना है, लेने के बाद आपको इसको घुमा देना है और यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ा सा पक्का कर देंगे और पूरी स्टैंड के ऊपर पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। ये पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा और पॉइंट की सिलाई लगाने भी लॉजिक है। वो क्या लॉजिक है फ्रेंड्स, अगर हमारी सिलाई गोलाई में लगी है तो स्टैंड भी गोल दिखेगी
और अगर सिलाई ऐसी आड़ी टेढ़ी जाएगी तो स्टैंड भी हमारी आड़ी टेढ़ी दिखेगी, इसलिए इस सिलाई में भी विशेष महत्व है। अब हमें इसको लेना है और ऐसे दबा के चपटा कर देना है और अब हमारा स्टैंड कॉलर नेक बन चुका है। फिर नेक तो बन चुका है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये वाला कुर्ता बनने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो मैं सोच रही थी इस पूरे कुर्ते को रेडी करके हम आपको ब्लॉग वाले चैनल पे बता देंगे। तो अगर आपने अभी तक भी ब्लॉग वाला चैनल नहीं देखा है तो फ्रेंड्स जल्दी से देखिए देखिए और ब्लॉग के चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पूरे कुर्ते को रेडी होने के बाद देख सकते हैं। और ब्लॉग के चैनल का नाम है प्रिया प्रीति ब्लॉग्स। तो ब्लॉग के चैनल को जाइए, उसको भी उतना ही सपोर्ट दीजिए आप जैसा जितना आप इस चैनल को देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।